आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मेरा नाम सौरभ सुमन है मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ श्रीहरी प्लस टू हाई स्कूल तुरपा में वेंचर स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से आज एप्लीकेशन ऑफ ऑफ कंप्यूटर में पहला टॉपिक है डेटा प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग से मतलब हम लोग समझते हैं कि अब लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल में डेटा का प्रोसेस करना इकट्ठा करना स्टोर करना उसका विश्लेषण करके स्टोर करना वो डेटा प्रोसेसिंग का एक पार्ट होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर का बड़े बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ये सारे ज़्यादातर यूज किया जाता है दूसरे दूसरे पे आते हैं शिक्षा शिक्षा एक महत्वपूर्ण आधार है शिक्षा से जुड़े हुए हम लोगों को हम लोगों को जुड़े रहना चाहिए कंप्यूटर से आधुनिक शिक्षा से आजकल तस्वीर बदल रही है बच हर बच्चे कंप्यूटर चलाना जान रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी टॉपिक को अच्छे से उसका डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कुछ स्कूल और कॉलेज को भी इंटरनेट से जोड़ दिया गया है आजकल तो स्मार्ट क्लासेस भी चलाए जा रहे हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में हमारे स्कूलों में भी चलाए जा रहे हैं और ज़्यादातर प्रतियोगिता परीक्षाएं आज कंप्यूटर से ही कराए जा रहे हैं तीसरा में आता है बैंक 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 भी एक इकोनॉमिक सेक्टर का बहुत बड़ा आधार है बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग ने तो क्रांति ही ला दी पुराने ज़माना में तो क्या हुआ करता था कि रजिस्टर बही खाता से बहुत समय लगता था पैसा ट्रांसफ़र होने में अब इस सब का जगह जो है एक कंप्यूटर ने ले मिनटों में कुछ ही सेकंडों में मिनटों में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह हम हम अपने सगे संबंधियों को पैसा भेज सकते हैं या पैसा निकाल सकते हैं एटीएम के द्वारा ये बैंकिंग क्षेत्र में भी एक अभूतपूर्व योगदान है कंप्यूटर का चौथा संचार कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर का जिससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं देश वाइज विदेशों से देशों से विदेशों से जुड़े रहते हैं जिसके कारण हम लोग कुछ ही सेकेंडों में कुछ भी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट फाइल के लिए अब हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता है एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं मंगा सकते हैं ये सब भी आज के महत्वपूर्ण पार्ट है पाँचवा पाँचवा आता है मनोरंजन अब रिक्रिएशन जो कि मल्टीमीडिया का एक प्रयोग है कंप्यूटर जो कि बहुत तरह के क्षेत्रों में यूज किया जाता है मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे क्या कहते हैं टीवी देखते हैं सिनेमा देखते हैं वीडियो गेम खेलते हैं अपना वॉइस रिकॉर्ड करते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में मनोरंजन के रूप तौर पे इसका उपयोग किया जाता है प्रशासन गवर्नेंस गवर्नेंस का मतलब होता है कि सब हर जगह की विधि व्यवस्था बनाए रखना कंप्यू ज़्यादातर जा, प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं आजकल स्कूलों में कॉलेजों में हर जगह एक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होता है जैसे स्लिप कटना फीस जमा करना हॉस्टल फीस जमा करना लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में क्या करते हैं बुकों का हिसाब किताब रखना ये सब भी प्रशास गवर्नेंस के ही पार्ट आते हैं जैसे आधार को लिंक करना गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नेंस का काम होता है आधार को लिंक करना ई राशन कार्ड किसान बीमा और भी तरह तरह के कार्य किए जाते हैं सुरक्षा सिक्योरिटी आजकल तो हम लोगों को सुरक्षा तो एक महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है हम लोगों का बिना सुरक्षा का तो कुछ है ही नहीं कंप्यूटर से भी शायद सुरक्षा में हम लोगों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जैसे सीसीटीवी को मोनिटर किया जाता है एयरक्राफ्ट को ट्रैक दिया जा किया जाता है इसार कंप्यूटर से ही सारी सुरक्षाएँ संभव है कॉमर्स कॉमर्स जैसे दुकान मॉल बैंक क्रेडिट कार्ड ये सब जगह पे शॉपिंग सेंटर ये सब जगह पे कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग किया जाता है सामान का आ, र, र, रख रखाव मतलब कितने क्वांटिटी में है क्या कमी हो गए हैं किसकी आपूर्ति होनी है वो सारे के सारे काम बिल करना बिल जनरेट करना ये सारे के सारे काम कंप्यूटर से ही संभव हो पाया है दो इंडस्ट्री इंडस्ट्री जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री प्रोडक्शन में जैसे स्टील केमिकल है तेल कंपनियां हैं और सारी कंपनियों में जैसे कंप्यूटर पे ही निर्भर है संयंत्र में जैसे कुछ केमिकल प्लांट में कुछ केमिकल देने हैं कहीं स्टील प्लांट में कुछ केमिकल्स देने हैं हिसाब किताब रखने में भी ये सब उसका यूज किया जाता है मेडिकल क्षेत्र मेडिकल क्षेत्र में तो अभूतपूर्व योगदान रहा कंप्यूटरों का कहाँ से क्या कहते हैं विभिन्न रोगों का पता लगाना उसका उपचार करना आजकल तो सर्जरी और लेजर के द्वारा किया जा रहा है बड़े बड़े सर्जरियों को बड़े बड़े सर्जरी को चंद कुछ ही समय में कर दिया जाता है और सेफ भी है ज़्यादातर जैसे अल्ट्रासाउंड जैसे सर्जरी में जैसे हार्ट का सर्जरी है लीवर की सर्जरी है आजकल तो कम चीर फाड़ किए हुए कंप्यूटर के तरीके से ज़्यादा कर दिया जाता है आद जैसे अभी एक्सरे है सीटी स्कैन है अल्ट्रासाउंड है हार्ट मोनिटर है ये सारे कुछ सारे काम कंप्यूटर से ही संभव है थैंक यू सर